यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया है केस। एक लॉरी ने किसको ठोका, ये देखो जेसीबी को ठोक दिया भाई। और को यहाँ पे जो ये ऑल्टो दिख रहा है ना, और ये गाड़ी दिख रही है, ये लोग मतलब ओवरटेक करके छोटा रास्ते से आए, अब यहाँ पे फंस गए। वो सामने देख। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए कजन के घर। चलाने में भी मजा आएगा, ये जो शर्ट फड़फड़ा रहा है ना लोगों का, ऐसा अगर जैकेट पहनोगे कोई एक टाइट क्लॉथ लेके फड़फड़ाएगा। सो गाइस, दुर्गापुर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। हाना, ये क्या डॉल है? ये तो हाना की तरह ही डॉल है ना। Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. Welcome back to another video. तो अभी देख रहे हो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं रेडी। तो कल रात तक कुछ अलग प्लान था एंड आज सुबह वेदर के वजह से कुछ अलग प्लान हो गया, बट हम लोगों को आज ये एक शॉर्ट ट्रिप करना ही करना है। तो हम लोग निकल रहे हैं और जाते जाते दिखाते हैं हम लोग क्या लेके जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना गाइस। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हम लोग के जीप में। तो रात को बट कुछ अलग ही प्लान हुआ था कि जीप जाएगी, जीप के साथ साथ हम अपना बाइक भी लेके जाएगा, बट वेदर के कारण चेंज करना पड़ा ये प्लान। और अभी हम सिर्फ जीप ही लेके जा रहा है, बाइक लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि बाइक लेके जाएंगे तो पूरा कीचड़ कीचड़ होगा एंड भीगना भी पड़ेगा क्योंकि बिन मौसम बरसात हो रहा है। तो बाइक लेके जाना कैंसिल, हम लोग जीप लेके चलेंगे। एक बहुत अच्छा रोड ट्रिप करेंगे आज, साथ में मम्मी बहन भाई तीनों हैं, पापा कुछ काम के वजह से नहीं जा रहे, तो हम लोग चारों आज बहुत मस्ती करेंगे पूरा दिन, और पूरे व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग गाइज, स्किप मत करना। अभी हम लोग जस्ट डानकुनी क्रॉस करेंगे और जो डर था वही हुआ। मुझे ये जाम नहीं चाहिए था बोल के हम 4 बजे निकलने वाला था, बट आफ्टर ऑल वी आर ट्रैवलिंग विद फैमिली गाइस, तो ये वाला जाम मिल गया। बट अभी कुछ बाइकर्स को देखे और अपना बाइक को बहुत मिस कर रहे हैं कि अगर बाइक होता तो अभी बीच बीच से निकल जाते हम लोग ट्रक के, बट बाइक तो नहीं है, गाड़ी है, और जीप तो निकलेगी नहीं ट्रक के बीच बीच से। तो अभी बस अभी बस गोप्रो गिरते बच गया। तो अभी गाड़ी में व्लॉग करने के लिए आई थिंक अभी मुझे गाड़ी वाला जितना भी माउंट्स है वो सब लेना पड़ेगा, तो देखते हैं ले लेंगे। चलो, अभी तक आप लोगों को पता नहीं लगा है कि कहाँ जा रहे हैं, बट थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग ये नॉन स्टॉप जर्नी करने वाले हैं और आई थिंक आज ही रिटर्न हो जाएंगे, बट अगर नहीं हुए रिटर्न, वेदर अच्छा नहीं रहा, तो फिर नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग को रिटर्न करेंगे। और अभी ये डानकुनी वाला जाम क्रॉस करने के बाद चाय पीने के लिए हम लोग रुकेंगे थोड़ा सा, और मैंने भाई को सजेस्ट किया अभी कि चलो एक ट्रिप कर रहे हैं हम लोग साथ में तो व्लॉग बना लो, बट वो क्या बोल रहा पता है, उसका आंसर था कि भैया अभी हम नींद में हैं। मतलब सोच लो अभी के जनरेशन, हम लोग इस एज में आके इतना खट रहे कि ताकि चैनल चल जाए, और इन लोगों को बना बनाया हुआ मिल रहा है, फिर भी अभी नींद पे है भाई मेरा। बाद बाकी हम लोगों ने बहुत सारा खाना लिया है, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं बहुत सारा खाते हैं, इवन मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक भी लिया है, रेडबुल भी लिया है। ओह माय गॉड, लुक एट द बाइकर्स। ओह, अभी रॉयल एनफील्ड का कुछ होएगा शायद, क्योंकि ये जितना भी मुझे दिख रहा है सब रॉयल एनफील्ड वाला बाइक दिख रहा है, एंड ये लोग शायद कोई एक लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग, यार हम लोग भी बाइक में ट्रिप शुरू करेंगे, छोटा छोटा वाला ट्रिप, छोटा छोटा वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा वाला ट्रिप शुरू करेंगे, क्योंकि एज़ यूजुअल आई एम ए फिटनेस फ्रीक, तो अगर ज़्यादा लॉन्ग राइड कर लिए बाइक में, महीने में 2-3 बार अगर कर लिए ना, तो फिर बॉडी फिर पिघल जाएगा, पिचक जाएगा, फिर आप लोगों को बाइसेप वाला पोज हम दिखा नहीं पाएंगे ना,
तो इसी की वजह से हम लोग छोटा छोटा ट्रिप शुरू करेंगे। फिलहाल आज तो सोचे थे दैट बाइक लेके जाएंगे, मम्मी लोग गाड़ी में जाएगी, बट हो गया सीन कुछ उल्टा इस वेदर के कारण, बाइक नहीं लेके आए। रात को बारिश हुआ था, अभी भी देखो पूरा फॉगी वाला वेदर है और वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि आज 80% चांस है बारिश होने का, तो कब कहाँ किस वक्त बारिश मिल जाए। और जहाँ हम लोग जा रहे वहाँ पे भी कल रात को बारिश हुआ है बहुत अच्छा खासा, तो कब कहाँ किस वक्त बारिश हो जाए पता नहीं है। तो इसी की वजह से बाइक लेके निकलना हम सेफ नहीं समझा, क्योंकि फिर भीगना पड़ेगा। तो चलो गाड़ी का मज़ा उठाते हैं, आज व्लॉग पूरा गाड़ी में बनाते हैं, एसी का मज़ा लेते लेते चलते हैं और थोड़ा बहुत दुर्गापुर का जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे फोटोशूट एंड ऑल भी करेंगे। चलो चलते हैं, चाय पे मिलते हैं गाइस। अभी भी देखो पूरा फॉगी वेदर हो गया, फॉगी वेदर एकदम। तो अभी फिलहाल जब मैंने कैमरा बंद किया, मेरी बहन बोल रही है हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हम बोला किस लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो भाई, तो बोल रही है आज का जो व्लॉग शूट होगा उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो देखो बड़े बड़े व्लॉगर के दर्शन ले लो मेरे व्लॉग में, जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम लोग तो भाई जो मुँह में आए हैं बक दिए। उसके बाद फिर बकते बकते एक बार समझ में नहीं आता कि इतना क्या बोल दिए हम लोग फिर ना, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग एकदम जो आता है सामने वही लिखते हैं। और अभी फोन का अलार्म बज रहा है किसी का, देखो बाइकर्स लोग उधर है, बाइकर्स लोग और सामने, ये कैसे हम निकाले, देखो कितने सारे बाइकर्स है फोटो शूट कर रहे हैं ये बाइकर्स लोग। और मम्मी देखो एज यूजुअल फोटो उठाने में बिजी है, और भाई मेरा एकदम शांत, उसको कोई मतलब क्या बोले, कुछ कोई चीज एक्साइट ही नहीं करता यार मेरा भाई। फिर ना गिरियो, फिर ना गिरियो सजना, ना गिरियो पीछे ना छोड़ियो। सो गाइस आवर फर्स्ट स्टॉप वी रीच्ड आजाद हिंद ढाबा, सामने है आजाद हिंद ढाबा और यहाँ पे ये लोग रेडी हो रहे हैं उतरने के लिए। मम्मी को तो गैस हो गया भाई सुबह सुबह, और ये तो भाई इसका कुछ बोलने का नहीं है एकदम। आप जो हवा दूषित कर रहे हैं दादा उसका क्या? और भाई सुबह सुबह उठने के बाद कॉफी पीने के बाद ना थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन हम कर रहा है जीप के अंदर, बट जीप में भी यार फार्ट करने का सुकून है। कभी एक ऑडी लेंगे या फिर जी वैगन लेंगे, उसमें भी फार्ट करने का सुकून मिलेगा गाइस। चलो चलते हैं आजाद हिंद के अंदर, उसके बाद देखते हैं क्या खाना पीना खाते हैं। मम्मी को तो खाना है डोसा, तो इसी की वजह से हम लोग शक्तिगढ़ स्टॉप ले लिए। चोरी का चश्मा पहन के ये जब अवतार देखने गई थी तब ये 3D वाला ग्लास ये लेके आ गई थी, बट एक्चुअली में चोरी का नहीं है क्योंकि टिकट में आपका जो ग्लास का प्राइस है वो ऐड हो जाता है। अब बहुत कोई वहाँ पे रख के आते, बहुत कोई लेके चले आते, तो ये जो पगली है ये लेके आ गई है। अभी 150 रुपए में आजाद में बिक्री कर दी है। चलो चलो फटाफट से करते हैं, सब फटाफट से निपटाते हैं, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर अ लॉन्ग वे टू गो गाइस। सो गाइस देखो गाड़ी अभी गंदी होके रखी है, बट ये वाला जो रैप उस दिन हुआ था ना रात को, जो रैप का काम हो रहा था वो ये वाला है। यहाँ पे मैंने लिमिटेड प्लस लिखवाया है, और बताना कैसा लग रहा है गाड़ी देखो। अरे कोई व्लॉगर है और मेरा भाई सिर्फ एक अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। कहाँ बैठोगे दादा, इधर ही बैठते हैं, ठंडे ठंडे में बैठते हैं। सो अभी फिलहाल गाइस खाना ऑर्डर हो गया है और हम लोग सुबह सुबह आज खाएंगे डोसा और चाय आजाद हिंद में। मम्मी अभी देखो दवाई खा रही है, तो मम्मी का दवाई का टाइम हो गया है, तो जब मम्मी को लेके निकलते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत टेंशन रहता है दवाई एंड ऑल का, क्योंकि मम्मी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती है। और बाद बाकी आज व्लॉग एकदम मस्ती से कर रहे हैं हम लोग, रुक रुक के जा रहे हैं, धूप वूप अभी तक आया नहीं है। इतना अच्छा मौसम है ना गाइस कि क्या बताएं, पूरा एकदम ठंडा ठंडा, यहाँ पे पूरा हवा चल रहा है, बट बाइक को मिस कर रहा है। बट देन अगेन अगर बाइक लेके आते तो फिर क्या ही बताएं गाइस, बाइक लेके आते और अगर यहाँ पे फंस जाते हम बारिश में तो फिर हो जाता है। ऐसे भी वेदर उतना क्लियर नहीं है बट बहुत सही वेदर है। जीप गाइस, जीप में मैंने ही मतलब थोड़ा बहुत ये स्क्रैचेस लगा दिया है, क्योंकि पहला जब हम बड़ा गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पे जब बैक करने के टाइम है ना कहीं हम लगा देता है ये गाड़ी को, इसी की वजह से हम ये गाड़ी ज़्यादा लेके निकलता है नहीं। बट इस बार मन हुआ कि इसको लेके ही हम लोग करेंगे ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि बाइक गर्मी में चलाना पॉसिबल नहीं है।
और देखो इसका चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमेशा रोती रहती है कि मेरा फॉलोअर नहीं बढ़ रहा, मेरा चैनल नहीं चल रहा है। और गाइस गर्मी के टाइम में ना अगर बाइक हम ज़्यादा चलाएगा तो फिर आप लोग सोच लो ये जो ये डोले शोले दिख रहे हैं ना ये सब फिर नहीं दिखेंगे। तो कमेंट करके बताना ये डोले शोले देखने हैं या फिर गाड़ी देखना है या फिर बाइक देखना है। बाइक कभी कभी लेके निकलेगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिप जैसे हुआ 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर ये सब ट्रिप हम लोग कर सकते हैं आराम आराम से। डाइट फाइट गया तेल लेने, देखो नाश्ता कर रहे हैं धोसा हम लोग, दवाई खाए हम इसलिए हम जल्दी खा ले। तो मम्मी का दवाई खाई है मम्मी बोल के सबसे पहले मम्मी का धोसा आ गया, अभी मम्मी बिस्मिल्लाह कर रही है। और ये जो इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है विद 6000 फॉलोवर, 2000 फॉलोवर मेरे से कम, फेस देखो इसका, 2000 फॉलोअर मेरे से कम, धोसा का स्टोरी लगाएगी अभी। और इन भाई साहब का धोसा आया नहीं है, ये अभी भी नींद में ही है भाई। हम लोगों का खाना पीना हो गया और कब से हम लोग वेट कर रहे हैं और इन दोनों को बुला रहे हैं, बट ये दोनों देखो खोपचे में झूला झूल रहा है, खोपचे में ये दोनों झूला झूल रहा है। जेठा भी पिया सारे छट्टे भेजी गए इखने 15, अरे क्या उठा आगे डाडे पादी थामाते हो दी नामते हो, गिर गया भाई पहला बार चढ़ा। 15 मिनट का ब्रेक था, आधा घंटा का ब्रेक हो गया। भाई बन गया मॉडल, मम्मी बोल रही है मेरा 3 बच्चा 2 माय सन और एक गर्ल, एक गन गर्ल माय स्वीट बेबी। मम्मी इसको लंबा हो रही है, और कितना लंबा होगा पता नहीं, अभी बेचारा झूले से गिर गया, झूले में जगह नहीं हो रहा इसका, अभी बेचारा झूले से गिर गया भाई। अभी चलो खाना पीना हो गया, ब्रेक हो गया बहुत ज़्यादा, तो अभी चलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो फटाफट यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते। तो अभी तक धूप नहीं निकला है, 7:30 बज गया बट धूप अभी तक नहीं निकला भाई। तो धूप निकलने का इंतज़ार है, उसके बाद फिर Insta360 निकालेंगे और गाड़ी का कुछ मज़ेदार शॉट लेंगे। ये फिर से आगे की तरफ, तो उससे पहले एक मॉन्स्टर एनर्जी पी लेते हैं, क्योंकि जैम में चलाते चलाते ना यार बॉडी थक जाता है। ट्रैफिक में जब आप चलाते हो ना बॉडी टायर्ड हो जाता है, और जब आप एक हाईवे मिलता है एक अच्छा सा स्पीड मेंटेन करते हो उस टाइम पे थकावट नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया है केस, एक लॉरी ने किसको ठोका, ये देखो जेसीबी को ठोक दिया भाई, और पूरा आग लग गया इसमें, समझ रहे हो, एक लॉरी जेसीबी को ठोक दिया भाई साहब, क्या खतरनाक वाला सीन है। देखो यहाँ पे जो ये ऑल्टो दिख रहा है ना और ये गाड़ी दिख रही है, ये लोग मतलब ओवरटेक करके छोटा रास्ते से आए, अब यहाँ पे फंस गए हैं। वो सामने देख रहे हो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा है, वहाँ से गाड़ी उतार के नीचे जाना पड़ेगा। तो एक गाड़ी तो उधर से घुमा लिया बेचारा, ये ऑल्टो फंस गया। अभी देखो ये रास्ता बना रहा है, देखो देखो ड्राइवर रास्ता बना रहा है अपना गाड़ी को उतारने के लिए, ये रास्ता बना रहा है। सो गाइस अभी जस्ट दुर्गापुर क्रॉस किया हम लोग, और अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं सुसु ब्रेक लेने के लिए, एंड इतना जैम मिला है यार, मतलब पालसीट से बर्धमान तक इतना जैम मिला, मतलब 2-3 ब्रिज का काम हो रहा है, तो उस जैम के वजह से हम लोगों को लगभग वहाँ पे 1.5 घंटा हो गया क्रॉस करने में, अदरवाइज हम लोग अभी तक धनबाद पहुँच जाते, जिस टाइम पे निकले थे पहुँच जाते। अभी दुर्गापुर से रास्ता पूरा क्लियर है, बट लेट्स सी, और जैम ना मिले सुसु ब्रेक ले लेंगे, सुसु ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग चलेंगे धनबाद की तरफ
और धनबाद में है, हम बता दें कि धनबाद में मेरे एक कज़न रहता है जिसका शादी में भी हम नहीं गया। और अभी तो अभी फिलहाल हम लोग झारखंड एंटर कर चुके हैं और झारखंड एंट्री करने के बाद ही हम लोग कर रहे हैं अभी ऑफ रोडिंग। देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा पूरा रोड पे, तो हम लोग काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो जीप में तो ऑफ रोडिंग समझ में नहीं आता यार, जो अप्स एंड डाउन से रोड के कुछ समझ में नहीं आता, एकदम रिलैक्स से एकदम आराम से चलते आराम से आते। अभी अराउंड 6 घंटा हो गया मेरा ड्राइव करते हुए, जितना ट्रैफिक मिला था। जब गाड़ी चल रहा है तब कोई चाप नहीं है, बट जब ट्रैफिक में ना रुक रुक के चल रहा है ना, उसी टाइम थोड़ा थकावट हो रहा है। बाद बाकी परसों हम लेग्स किया था, तो अभी जो ब्रेक और एक्सेलेरेट करने में जो मज़ा आ रहा है ना मुझे लेग्स में, वो मतलब अलग लेवल में है गाइस। तो अभी देखते हैं, अभी तो बज गया अराउंड 12:40 हो गया, सो लेट्स सी। अगर आज रिटर्न करने का मन किया तो आज ही रिटर्न कर जाएंगे रात तक, और अगर नहीं किया तो फिर रुक जाएंगे कज़न के घर में हम लोग। तो चलो चलते हैं, यहाँ से उनका घर दिखा रहा है अराउंड 40 मिनट्स। अभी पता नहीं, रोड कंडीशन तो यहाँ से बहुत ख़तरनाक लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं, पहुँच के देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है यहाँ से भी। अब बाद बाकी रोड कंडीशन देखो, और यहाँ पे देखो लाली लिपस्टिक लगा रही है ये लाली। Influencers should look pretty all the time. 3 बार या 4 बार हो गया इसका लाल लिपस्टिक। So guys, finally we reached around 6 घंटे या 7 घंटे लग गए हम लोगों, अभी 2 बज गया and we reached here. चलो अंदर चलते हैं, बताते हैं सबसे। अभी देखो गाइस, वीडियो हो गया 17 मिनट का, तो हम इसको और ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इसका और एक पार्ट 2 तैयार करते हैं। और अभी फ़िलहाल देखो, ये जो फेस में ये पिंपल आया है, ये 3 दिन से मुझे बहुत तंग कर रहा है भाई। ये छोटा भी नहीं हो रहा और उसको गाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाल गाल के इतना सारा दाना दाना हो गया मेरे गाल में, तो इसको अगर गाल देंगे तो फिर यहाँ पे भी और एक दाना हो जाएगा, मतलब स्पॉट हो जाएगा, तो इसको गालना नहीं है। और बाद बाकी ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आपको कल पार्ट 2 मिल जाएगा इस व्लॉग का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस। लव यू ऑल, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।